अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आज मैं आपको जिस ऑथेंटिक डिश को बनाने का तरीका सिखाऊंगा, इसको बलूची गोश्त भी कहते हैं और नमकीन गोश्त भी कहते हैं। और ये बहुत बहुत आसान होता है वैसे तो बनाना, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसका गोश्त बिल्कुल इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आप छुएं और वो टूट जाए। तो इसी तरह की एक रेसिपी है जो कि बहुत ऑथेंटिक है, मैंने पहले भी ट्राई की है। आज मैंने आपके लिए इसकी वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मेरी। अच्छा, तो अब सबसे पहले जो है ना, इसमें आपने गोश्त जो लेना है वो मैं आपको बता दूं कि मैंने बछिया का गोश्त लिया है और पुट का गोश्त लिया है। थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त लेना होता है इसमें, ताकि आपको पता है इसका जो टेस्ट है वो इस तरह का कबायली इलाकों में चर्बी में खाना बनता है, तो इसलिए मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया। इसमें नमक मैंने ऐड कर दिया है और नमक के साथ ही ये सारी पूरा खाना बन जाता है। ये डिश टोटल नमक और काली मिर्च में बनती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, सारी बोटियों में नमक लग जाए इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे एक पतीली में मैंने गरम तेल ले लिया है और सारा गोश्त इसमें स्लो स्लो करके आपने डाल देना है इस तरह से। और अब जो है ना, इसको गोश्त डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, चम्मच को चलाते रहना है ताकि सारी बोटियाँ जो है अच्छे से ऑयल में डिप हो जाएं और सही से पके हैं। अच्छा, इसको करना ये है कि 10 मिनट तकरीबन आपको इसको ऑयल में ही फ्राई करना है। 10 मिनट तक आप इसको ऑयल में फ्राई करेंगे और उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे डाला है, और उसके बाद फिर से अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि इसका जो गोश्त का जूस है, गोश्त का जो फ्लेवर है वो इसमें लॉक हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आपको मिले। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, जब ये ऑयल बिल्कुल रह गया तो मैंने पानी ऐड किया है, ताकि मैं इसको प्रेशर कुकर में मैं इसको बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा। आप चाहें तो बगैर प्रेशर कुकर के भी आप बना सकते हैं। गोश्त का गला हुआ होना बहुत ज़रूरी है डिश के लिए। और मैंने तकरीबन 30 मिनट का प्रेशर कुकर लगाया है और उसके बाद मैं इसको प्रेशर कुकर ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये देखें, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ गया इसका। इसमें काली मिर्च ऐड करूँगा और हरी मिर्च कुट को बारीक काट के मैंने ऐड किया है, और ये आपकी डिश रेडी है बिल्कुल। अब इसको आप डिश आउट करें और इसको एंजॉय करें, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस डिश में।